हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और इसमें आज जो एक्सरसाइज है वो 10.4 का पहला प्रश्न है आपसे, कह रहा है प्रश्न मैंने लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जब कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 30 डिग्री और ए बी बराबर 5.8 सेंटीमीटर दे रखा है। एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एक कोण 60 डिग्री का हो, दूसरा कोण 30 डिग्री का हो और जब एक भुजा उसमें दे रखी है, बाकी कोई किसी की लंबाई नहीं दे रखी है, एक भुजा की लंबाई दे रखी है 5.8 सेंटीमीटर। तो कोशिश करते हैं कि सर्वप्रथम उसी रेखा खंड को खींचते हैं या उसी भुजा को खींचते हैं जो आपको गिवन है, या फिर कई अलग अलग भुजाएं की माप दे रखी हो तो कोशिश करते हैं कि सर्प में उस रेखा को खींचें या उस भुजा को खींचें जिस पर कोण बन रहे हैं। यहाँ देखिए बीसी रेखा आपको 5.8 सेंटीमीटर दे रखी है और आपके लिए ये भी कह रहा है कि जो बीसी रेखा है उस पर कोण ए बी रेखा और कोण उस पर ए 60 डिग्री का है और कोण बी 30 डिग्री का दे रखा है। तो ए बी रेखा पर एक रेखा पर कह सकते हैं रेखा खंड पर या ए बी भुजा पर दोनों कोण दे रखे हैं, एक 60 डिग्री का दूसरा 30 डिग्री का। तो क्या करें, बी ए बी एक रेखा खंड हमने 5.8 सेंटीमीटर का खींच देंगे और ए को केंद्र मानते हुए एक 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक एक्स रेखा हमने खींच दी। एक्स कोई रेखा है, बड़ी सी रेखा हमने खींच दी एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए 60 डिग्री का कोण बना, और 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक अर्धवृत्त बनाओ। ये मैंने अर्धवृत्त बनाया और पहले ही चाप जहाँ पर लगेगा वो 60 डिग्री के कोण पर ही लगेगा। दूसरा है कि B को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त बनाकर B को केंद्र मानते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा BY खींचते हैं, BY। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन गया और A पर 60 डिग्री कोण बन गया। अब ये देखते हैं कि ये AX रेखा BY रेखा को एक बिंदु C पर एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं, उसका नाम मैंने C दे दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अपने आप ये त्रिभुज बन जा रहा है कि BX रेखा CY को बिंदु C पर प्रक्षेप कर रहे हैं। तो हम ये त्रिभुज देख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी या सी ए बी कह सकते हो, एक हमारे पास ऐसा त्रिभुज बना जिसमें कोण ए 60 डिग्री है और कोण बी 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये ए आपका कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।